संकल्प पर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं। आज 26 अक्टूबर भारतीय इतिहास में, जम्मू कश्मीर के इतिहास में बहुत ही महान दिन है। जैसे हमारे साथियों ने यहां कहा, आज ही के दिन महाराजा हरि सिंह, जो बहुत ही बड़े राष्ट्रवादी थे, जिनके ऊपर कई प्रकार के क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश की गई, यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उस वक्त की कांग्रेस ने, ऐसे महाराजा ने आज ही के दिन 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उस पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर, जो भारत का मुकुटमणि है, उसके दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र, जो एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, जो एक ऐसी डेमोक्रेसी जिसकी तरफ आज सारी दुनिया देखते हैं, उसके साथ विलय करते हुए जो भारत का जो क्राउन है भारत जम्मू कश्मीर, उसको हमें ये सौभाग्य दिया। मैं आज के दिन महाराजा हरि सिंह जी को अपनी श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ। साथियों, कई प्रकार की बातें हुई, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, मैं अविनाश जी से बात कर रहा था कि मैंने कहा इतिहास की जरूर बात की जाए। साथियों, इन सालों में मैं दावे से कह सकता हूं, फिगर एंड फैक्ट के आधार पर मैं अपने विरोधियों को ये कहूंगा, अगर आप में दम है, अगर आपके पास कोई ऐसा फिगर एंड फैक्ट है, तो डिबेट करिए, लोगों को गुमराह मत करिए। आप जिस तरीके से आप गुमराह कर रहे हैं, 1947 से लेके जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के देशभक्त के लोगों को, जम्मू के लोगों को आपने गुमराह किया है, और आज हम जो है, हमें लगभग कश्मीर की और उस गुलामी के, जो उस लीडरशिप की गुलामी के बीच में रखा था, आज हमें बता रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, वो महाराजा हरि सिंह जिन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जब वहां पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई इंग्लैंड में, तो उनका पूछा गया कि कल को अगर भारत आजाद हो गया, हमने अपनी सत्ता जो भारत को दे दी, तो आपका क्या होगा, आप जो राजा महाराजा हैं, आपका क्या होगा। उस समय 1931 में महाराजा हरि सिंह ने यह कहा था कि हम अपने लोगों के सेवक बन के उनकी सेवा करेंगे, यह महाराजा हरि सिंह ने कहा, और उसी महाराजा को आपने स्टेट से बदर कर दिया। यह लोग कहते हैं अलगाववादी, दूसरा जो इनके मेनस्ट्रीम पार्टी के नेशनल कॉन्फ्रेंस, और ये लोग कहते हैं कि महाराजा जो थे वो आजाद रहना चाहते थे। अध्यक्ष नहीं है, सर शर्मा जी ने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और ये कहते हैं कि नहीं, 15 अगस्त से पहले जो है उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर साइन करने चाहिए थे, नहीं किए, 26 अक्टूबर को क्यों किए। साथियों, सत शर्मा जी ने आपको बताया कि उस समय जम्मू कश्मीर का जो लिंक था, अगर कोई कम्युनिकेशन था, या थ्रू श्याल काट था, चाहे वो पहाला से थे, उड़ी और उससे कश्मीर से था, पर लिंक नहीं था। ये जो आज जो हमारी रेलवे का ट्रैक है, नेशनल हाईवे थे, ये बिल्कुल बना नहीं था। पूछ सकता हूँ, पाकिस्तान जैसे उसने हमला किया, वो कर देगा तो मेरे जम्मू कश्मीर के लोगों का, जम्मू के लोगों का क्या होगा। ये जो बॉर्डर जो था, वो उसका भी तय नहीं हुआ था पूरा उस समय, बॉर्डर का भी उस समय। मैं आपको बताऊं, लाहौर जो था, जो पार्टीशन प्लान था, लाहौर जो था तब भारत में था, और गुरदासपुर का सारा इलाका जो था उसके तहत अभी पाकिस्तान में था, यह स्थिति थी। और अगर जम्मू कश्मीर को भारत का मुकुटमणि रहना है, तो ये इलाके जो थे उनके भारत में आना जरूरी था। बाद में बार्गेनिंग हुई, और यहां पर जो है, जो सीमा जब तय हुई, उसमें जो है, जब गुरदासपुर हमारे पास आया और लाहौर वहां पर गया, तब मौका मिला कि हम जम्मू कश्मीर का विलय जो है हम भारत के साथ करें। तो महाराजा हरि सिंह ने, जिनके लिए कोई डेडलाइन नहीं थी कि 15 अगस्त से पहले ही साइन करना है, उन्होंने हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर का विलय जो है भारत के साथ किया। तो वो लोग जो है, जो ऐसे बोलते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो इतिहास के जो फैक्ट्स हैं उन पर बात करें आप, या कश्मीर की जो लीडरशिप है, जो महाराजा के ऊपर जो है कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह लगाती है, उनका इतिहास पढ़ना चाहिए, लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। साथियों, जब विलय हो गया, जब विलय हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय इस कांग्रेस ने, जवाहरलाल नेहरू ने,
जिस प्रकार की वो शर्त रखी, क्योंकि विलय जो था वो हस्ताक्षर के साथ पूर्ण विलय था, जिस तरीके से लॉर्ड माउंटबेटन जो एक लेटर लिख के कहा कि नहीं, लोगों को पूछा जाए लॉर्ड माउंटबेटन के पास जा, जवाहरलाल नेहरू के पास कोई मैंडेट नहीं था इस प्रकार की कंडीशन लगाने का। क्योंकि मैं कहूंगा, आप इतिहास को जानते हैं, जो इंडिपेंडेंस एक्ट आया इसके पहले कैबिनेट मिशन यहां पर आया, क्रिप्स मिशन आया, रॉन्टेलो कॉन्फ्रेंसिस हुई, लगातार कई प्रकार का प्रोसेस होने के बाद ये जो है इंडिपेंडेंस एक्ट आया। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन था जिसके तहत वो जो इंडिपेंडेंस एक्ट का जो हिस्सा था। इस्लामाबाद में जब बातचीत हो रही, पाकिस्तानी कहने लगे कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को हम मानते नहीं, मैंने कहा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को डिनाई करना उसको ठीक नहीं ठहराना, मतलब पाकिस्तान की जो एग्जिस्टेंस है इसके ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह लगाने की बात है।